नाउ फॉर फ्रिक शेक्स हम ऐसे मॉकटेल ग्लासेस यूज करेंगे. वनीला आइसक्रीम यूज की है मैंने 2 स्कूप्स. 1 स्पून जितना हमने क्रीम चीज लिया है. 2 to 3 tablespoons रेड वेलवेट जो स्पॉन्ज होता है उसके क्रम्स लिए हैं. रेड वेलवेट स्पॉन्ज बना के उसको मिक्सर में डाल के उसका ऐसे क्रम्स बना लिए हैं. देन 2 बोल्स ऑफ मिल्क लिया है. ये फुल फैट मिल्क है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हो. मेल्टेड चॉकलेट है डेकोरेशन के लिए एंड थोड़े से रेड वेलवेट क्रम्स है जो हम ग्लास को डेकोरेट करेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो हम ग्लास डेकोरेट करेंगे. ग्लास को मैं ऐसे व्हाइट चॉकलेट में डिप कर लेती हूँ एंड उसे ऐसे क्रम्स में डिप कर लूँगी सो दैट हमारा जो ग्लास है वो डेकोरेट हो जाएगा. ना ये मैंने वाइट चॉकलेट पाइपिंग बैग में फिल की है और उससे मैं ग्लास में ऐसे रैंडम वाइट चॉकलेट के स्ट्रोक्स लगा लूँगी. ना अब हम फ्रिक शेक बना लेंगे. सबसे पहले बोल में हम रेड वेलवेट स्पॉन्ज के जो क्रम्स है वो ऐड कर देंगे. देन हम ऐड करेंगे इसमें 1 स्पून ऑफ क्रीम चीज. टू स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें एंड अराउंड 2 बोल्स ऑफ मिल्क. अब इसे हम अच्छे से टर्न कर लेंगे. ये हमारा फ्रिक शेक रेडी हो गया है. नाउ इसे हम व्हिपिंग क्रीम के हेल्प से डेकोरेट कर लेंगे. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.